खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। एमडीएम के सफल क्रियान्वयन हेतु डीएस ने की प्रेस वार्ता। 16 से 30 सितंबर तक चलने वाले मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन को लेकर डीएस डॉक्टर प्रकाश ज्ञानी ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि आगामी 2025 तक भारत को फलेरिया मुक्त बनाना है, इसलिए एमडीएम जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाइड्रोसिल व हाथी पांव दो ऐसे फलेरिया युक्त बीमारी है जो अपंगता तक पहुँचा सकता है। एमडीएम के सफल क्रियान्वयन हेतु 10 स्वास्थ्य कर्मियों व एक सुपरवाइजर के 80 टीमों का गठन किया गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर फलेरिया की दवा खिलाने का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि एक वर्ष स्व नीचे गर्भवती महिलाओं व लाचार को छोड़कर सभी लोगों को दवा खाना अनिवार्य है। दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फिर भी रैपिड टीम क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल उन्हें दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस दौरान टीवी से पीड़ित मरीजों की भी खोज कर इलाज किया जाएगा। खबर 365 न्यूज के लिए बरही से जयदीप के साथ अमित सोनी की रिपोर्ट। मच्छर जिसको काटता है क्या है कि माइक्रोफेज, हम लोग क्या अभी नाइट में सर्वे हुआ था हमारे यहाँ पन्ना में, जगह हुआ था सीविल रैंडमली करता है कि क्या इसका रिपोर्ट है, तो उसमें हम लोग का जो इसका माइक्रोफेरेटिया का जनरली 2.5 नॉर्मल होता है, भैया कितना होता है तो नॉर्मल है, लेकिन एक से नीचे होना चाहिए और जहाँ एक से नीचे होता है वहाँ एमडीए का दवा नहीं दिया जाता है। क्या जो होता है उसका माइक्रोफेरेटिया का रेट होता है जो ब्लड में, अगर उसका 1 से नीचे होता है तो वहाँ पर एमडीए का कार्यक्रम नहीं होता है, मास्क लगाने को दवा नहीं दिलाता। जैसे हमारे पूरे हजारीबाग ब्लॉक में एक ब्लॉक का चूसू और एक सदर ब्लॉक, ये दोनों में हम लोग का एमडीए नहीं हो रहा है, नॉर्थ ब्लॉक में हो रहा है, क्योंकि नॉर्थ ब्लॉक में माइक्रोफेरेटिया का रेट जो दिया बहुत ज्यादा था, एक से ज्यादा दिया होगा, तो हमारे यहाँ तो 14.5 था, मैंने बहुत ज्यादा है, इसके अलावा दवा खाने का लोग दवा कम खाए, इसलिए इस बार हम लोग थोड़ा सा इसको ज्यादा ये कर रहे हैं और इसलिए आप लोग सारे लोग की सहयोग की आवश्यकता है, ताकि लोग ये हाथ में नहीं दे, अभी हम लोग इसको मुंह में डाल देंगे, अंदर जाना चाहिए, हाथ वाला नहीं है, अब ये है कि कोई भी है तो स्पॉट पर इसको खिला देने से वो जाएगा और वो जाने से उसके बाद आपका माइक्रोफेरेटिया ब्लड में नहीं आएगा तो आपका नाइट ब्लड सर्वे में नहीं निकलेगा, अभी जब भी करे रैंडमली जहां भी करता है, तो हम लोग का ये बहुत बड़ा प्रयास है कि हम लोग सारे लोगों को ऑन द स्पॉट उसको खिलाए, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में उसको खिला, जैसे हम लोग टीवी का दवा खिलाते ऑब्जर्वेशन में इसको दवा दिया गया और इसके लिए हम लोगों ने पूरा इस क्षेत्र में हम लोगों ने 236 टीम बनाया, 365 दिन आपके साथ। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।